बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जीति फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास किचन। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बेसन का हलवा। इसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ें ली हैं, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले हमने ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम बेसन है और एक पाव के करीब ये हमने इसको अच्छे से छान के बाउल में डाल लिया। और एक कप चीनी है, ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब चीनी है। तो आप अगर मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो बराबर की चीनी भी डाल सकते हैं। 100 ग्राम ही घी जाएगा इसमें, मैंने डालडा घी लिया है, साथ इसमें थोड़ा सा हम देसी घी भी शामिल करेंगे। एक कप दूध जाएगा इसमें और साथ ये सब्ज इलायची हैं 3 से 4 अदद, इनको बारीक हमने पीस लिया है छिलके समेत। और साथ ये कुछ नट्स जाएंगे, पिस्ता है इसको बारीक बारीक काट लिया है, बादाम है इनको भी काट लिया, और ये किशमिश है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी। सबसे पहले हम बना लेंगे शीरा। एक कप चीनी इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही एक कप पानी इसमें हम शामिल करके इसको चूल्हे पर रख देंगे शीरा बनाने के लिए। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे फूड कलर, एक बस जर्दा कलर है ये मैं इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन एक चुटकी ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको शीरा बना लेते हैं, चूल्हे पर रख देते हैं जी। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हम शामिल करेंगे घी, 100 ग्राम घी है ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। गरम कर लिया, अब हमने इसको इस फ्लेम पे इसको अच्छे से बेसन को भून लेना है, इससे तेज नहीं करनी आंच। बेसन हम इसमें अब शामिल कर देंगे, ये 250 ग्राम एक पाव के करीब बेसन है, इसका हलवा हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। इसको हमने अच्छे से घी में मिक्स कर लिया, अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ब्राउन करेंगे जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब है सूजी, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिए ये साथ ही इसके इसको भून लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बेसन हमने अच्छे से भून लिया है, जो सूजी इसमें डाली थी उसकी वजह ये थी कि इसमें थोड़ा सा दानेदार टेक्सचर इसका आएगा और इसकी अच्छी लुक आएगी, इसलिए इसमें 2 चम्मच सूजी के ऐड किए हैं। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची जो हमने पहले से पीस के रखी हुई है, छिलके समेत इसमें शामिल करेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। बिल्कुल आपने इसको मीडियम बल्कि लो फ्लेम पे, मैंने आपको फ्लेम दिखाई थी, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, इसी फ्लेम पे आपने इसको ब्राउन करना है। साथ ही शामिल करेंगे हम नट्स जो हमने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, कुछ हमने रख ली हैं, गार्निश करेंगे इसके ऊपर भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ फ्राई कर लेंगे, आज हमने पहले इसको फ्राई नहीं किया था, साथ ही इसके फ्राई कर लेंगे जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बेसन हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है घी के अंदर, इसका कलर भी चेंज हो गया और इसकी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे शीरा जो हमने इसे पहले बना के रखा हुआ था, हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको साथ साथ चम्मच के चलाते जाएंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दूध, 1/2 कप पहले डालेंगे, जरूरत होगी तो और डाल लेंगे। फ्लेम हमने थोड़ा सा हाई कर लिया ताकि अच्छे से जल्दी से खुशक हो जाए। ये
तो जो दूध बच गया था ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम हाई फ्लेम पे अच्छे से पका देंगे। सर्दियों का सीजन है, आप भी ऐसी रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई किया करें, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, बाजार से लाने से बेहतर है घर में इन चीजों को बना लिया जाए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी उसकी शाइनिंग के लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। यहाँ पे हम शामिल करेंगे क्योड़ा एसेंस, 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें क्योड़ा एसेंस शामिल कर देंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये हलवे वगैरह बनाना, बहुत आसान है, आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हलवा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं इसने पैन छोड़ दी है, देख सकते हैं ये इस शक्ल में आ गए ऐसे। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये बेसन का हलवा बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कैसा बना है। जी तो बताइए अब कैसा बना, बहुत मजेदार है, आप भी अपने घर में ट्राई करें इसे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किस तरह का बना है। ओके, अल्लाह हाफिज।